नमस्कार, आदर्श शिक्षा समिति सिरोही ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी के अंदर पार्ट दो है, मेहनत की कमाई, क्रमांक है 6। हमारे पिछले वीडियो के अंदर हमने शब्दार्थ, इसी पाठ से संबंधित शब्दार्थ, खाली स्थान और विलोम शब्द किए थे। इसी क्रम में आगे आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न पहला है इसमें, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर क्यों विवश हुआ? तो इसका उत्तर है, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश इसलिए हुआ क्योंकि उस दिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। मतलब प्रश्न पहला है कि बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ था? तो बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश इसलिए हुआ क्योंकि उस दिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। आगे है प्रश्न क्रमांक 2, बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? तो बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? तो उत्तर है कि एक सेठ का संदूक उठाकर बालक ने 4 आने कमाए। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, बेटा उदास क्यों बैठा था? तो उत्तर है, क्योंकि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था इसलिए बेटा उदास बैठा हुआ था। प्रश्न संख्या 4, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा, बताओ। तो अनुभवी पिता यह जानता था कि पत्नी और बेटी जब तक घर में हैं तब तक उसकी मदद करेगी और ऐसे तो वह मेहनत करना नहीं सीख सकेगा, इसलिए पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया था। प्रश्न क्रमांक 5 है, बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे? तो उत्तर है, एक सेठ की संदूक उठाकर बेटे की गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे थे। प्रश्न क्रमांक 6 है, सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे, समझाइए। तो उत्तर है, पिता जानता था कि बालक आलसी है और कामचोर है, वह उसे मेहनत करना सिखाना चाहता था, अतः उसने उसे कमाने को कहा। जब बालक बिना मेहनत के अपनी माँ व बहन से पैसे लेकर आया तो पिता के कहने पर उसने पैसे आसानी से उन्हें फेंक दिए, लेकिन जब उसने अपनी मेहनत से एक चवन्नी कमाई तो वह उसे नहीं फेंक सका। उसे मेहनत की कमाई का पता लग चुका था। इस प्रकार सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। अब ये प्रश्न 1 से लेकर जो 6 हैं इन्हें हम पुनः एक बार वापस समझेंगे। प्रश्न पहला है, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर क्यों विवश हुआ था? तो हमने पाठ भी पढ़ा है और इसे कहानी के तौर पे मैंने समझाया था, कहानी का सार मैंने आपको बताया था, समझाया था। तो बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर क्यों विवश हुआ? तो उत्तर है, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश इसलिए हुआ क्योंकि उस दिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उस दिन इसकी मदद करने वाला उसकी माँ और उसकी बहन घर पर नहीं थी, इसलिए उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए बालक मजदूरी करने पर विवश हुआ। आगे है प्रश्न 2, बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? तो
बालक ने एक सेठ का संदूक उठाकर चार आने कमाए। आगे है प्रश्न तीन है, बेटा दिन भर सुस्त बैठा था, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, बेटा उदास क्यों बैठा था। अब वो बेटा उदास क्यों बैठा था, तो उत्तर है क्योंकि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए बेटा उदास बैठा था, क्योंकि उसकी मदद करने वाला उसकी माँ और उसकी बहन उस दिन घर पे नहीं थी। तो अब वो किससे मदद मांगे, और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए ये सोचकर वो उदास और दुखी बैठा हुआ था। आगे है प्रश्न चार, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा, बताइए। तो उत्तर है अनुभवी पिता यह जानता था कि पत्नी और बेटी जब तक घर में है तब तक उसकी मदद करेगी, और उसे तो वह उस बालक को मेहनत करना सिखाना चाहता था, इसलिए पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया था। अगर वो अनुभवी पिता पत्नी और बेटी को घर से बाहर नहीं भेजता तो बालक मेहनत करना कभी नहीं सीख सकता था। वो किसी ना किसी बहाने से या अपनी माँ से या बहन से पैसे ले लेता। और आगे है प्रश्न पाँच है, बेटे की गर्दन कमर और पैर क्यों दुखने लगे। अब प्रश्न पाँच है कि बेटे की कमर गर्दन पैर दुखने लगे, क्यों दुखने लगे थे, तो इसका उत्तर है एक सेठ की संदूक उठाकर बेटे की गर्दन कमर और पैर दुखने लगे थे, क्योंकि उस बालक ने पहली बार मेहनत करी थी, क्योंकि वो मेहनत करना तो जानता ही नहीं था, क्योंकि वह आलसी था, वह कामचोर था और वो कभी मेहनत करना चाहता ही नहीं था, इसलिए जब उसने पहली बार मेहनत करी तो उस मेहनत करने से उसकी गर्दन कमर और पैर दुखने लगे। आगे है प्रश्न संख्या छः है, सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे बदला। तो सेठ ने अपने सूझबूझ से उस बालक का जीवन बदला। पिता जानता था कि बालक आलसी है और कामचोर है, वह उसे मेहनत करना सिखाना चाहता था, अतः उसने उसे कमाने को कहा। जब बालक बिना मेहनत के अपनी माँ व अपनी बहन से पैसे लेकर आया तो पिता के कहने पर उसने पैसे आसानी से कुएं में फेंक दिए, लेकिन जब उसने अपनी मेहनत से एक चवन्नी कमाई तो वह उसे कुएं में नहीं फेंक सका। क्यों नहीं फेंक सका था, क्योंकि उसने वो चवन्नी मेहनत से कमाई थी, मेहनत की थी, उसे मेहनत की कमाई का पता लग चुका था, अब वो मेहनत करना सीख गया था। इस प्रकार सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया था। ये पाठ दो के अभ्यास प्रश्न हैं। इस अभ्यास प्रश्न से पहले हमने शब्दार्थ किए थे, खालिस्तान किए थे, विलोम शब्द किए थे, और इसके बाद ये अभ्यास प्रश्न हैं। इनको आपको प्रश्नों को और उत्तर को उनको अच्छी तरह से समझना है, और समझकर अच्छी सी राइटिंग में उसे लिखना है, और इसी के आगे पीडीएफ के द्वारा आपको गृह कार्य दिया जाएगा, उसे आपको करना है। अधिकतर हमने बच्चों को देखा है कि जब हम वीडियो बना के भेज रहे हैं तो जो बोर्ड पे जो काम है ना वो नहीं कर रहे, और तो बोर्ड पे जो काम दिया हुआ है वो करना है, उसके बाद जो पीडीएफ में जो आपका गृह कार्य आता है उसे आपको करना है। धन्यवाद।